नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर ब्लॉग और मैं हूं तेज प्रताप यादव। हाँ जी हाँ, आज मैं निकल गया हूं अपने गांव की ओर फुलवरिया। आज मैं अपने गांव फुलवरिया जा रहा हूं और हमारे पीछे गंगा नदी है। गंगा नदी का सीन देखिए और गंगा नदी में देखिए किस तरीके से आज का मौसम भी कितना अच्छा है। आज का मौसम देखिए, हमारे कैमरामैन सौरभ के साथ एलआर ब्लॉग आप देखने का काम कर रहे हैं और हम लोग आ गए हैं। आगे में मरीन ड्राइव भी बना है पटना में। मरीन ड्राइव का जो प्रोजेक्ट था जब महागठबंधन की सरकार थी, हम लोगों ने लाने का काम किया। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। तो हम लोगों ने लाने का काम किया। फुलवरिया अपने गांव जा रहा हूं मैं और जा करके वहां के बारे में, वहां पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों से आपको रूबरू कराने का काम करूँगा। बड़ा अच्छा मौसम है, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और बोटिंग का भी मज़ा ले रहे हैं। गंगा में बोटिंग भी करने का काम कर रहे हैं। ये आपको मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव का सीन है ये, आपको मैं दिखाने का काम किया। और इधर से काफ़ी भीड़ है और पटना के जितने लोग हैं सब चाट का, ठेला का, आइसक्रीम्स का सब एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने गांव फुलवरिया। फुलवरिया अपने गांव आ गया हूँ। आइए आपको गांव का कुछ सीन दिखाते हैं, आपको लेकर के चलते हैं गांव का कुछ सीन दिखाते हैं। और गांव का मौसम बड़ा अच्छा है, सुहाना मौसम हो गया है। चलिए आपको सीन दिखाते हैं हम गांव का। बड़ा तगड़ा सीन है और मौसम भी अच्छा है, बादल छाया हुआ। आगे ले चलते हैं आपको दिखाते हैं। आपको ले चल रहे हैं गांव का। ये सामने मंदिर है, ये तो प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, इसको बनाया गया है। आपको एक नया मंदिर भी यहाँ बना है। यहाँ हमारे गांव में हमारे पिताजी ने ये अस्पताल भी बनाने का काम किया है। ये अस्पताल इधर का हमारी दादी के नाम से है। और यहाँ ये मंदिर है और आगे ब्लॉक है, थाना है, बैंक है, हॉस्पिटल तो है ही, और साथ साथ हेलीकॉप्टर उतरने का भी पिच बना हुआ है। साइकिल से जा रहे हैं, यहाँ हमारे भाई साहब हुए, खेत देखने जा रहे, खेत में जा रहे हैं ना। ये खेत है अपना और इसमें खेत में खेती होता है गांव का। ये बगीचा है, ये जो है ये बगीचा हो गया। ये हमारे गांव में एंट्री करते समय जिन बाबा का पेड़ है ये। और हमारे कैमरामैन सौरभ से बोलेंगे कि थोड़ा उतर के इनको आप दिखा दीजिए। और गांव के लोग हैं, खेत में चले गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये स्कूल है। ये स्कूल में बच्चे लोग हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल में। आगे अपना गांव का नहर है, आगे दिखाते हैं अभी इसी रास्ते से। अभी स्कूल जा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं स्कूल ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए आगे भी एक ग्रुप मिलेगा आपको बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं। और ये खेत में देखिए कितना कितना पानी है। ये देखिए अब देख रहे हैं खेत में पानी आ गया इधर। और ये मोड़ आ गया, मोड़ पे यहाँ पे दुकान भी है, जलेबी मिलता है, बड़ा फेमस है।
एक बालूशाही मिठाई है जिसको गाजा बोलते हैं, वो भी मिलता है यहाँ पे। ये ब्रिज हो गया और इस ब्रिज में नहर में पानी भी आ चुका है। पहले जब मैं आया था तो सूखा हुआ था, पानी नहीं था, लेकिन अब तो पूरा पानी आ चुका है इसमें। चाय टाइम होता है मॉर्निंग में, जनरली लोगों का चाय टाइम होता है, हमारा ये जलेबी टाइम है। मोटी मोटी जलेबियाँ हैं, पूरी और सब्जी गर्मा गर्म हम लोग खा रहे हैं। जब भी मैं गांव आता हूं तो मैं यहीं पर आता हूं हमेशा। जलेबी हो गया, वो मिठाई उधर रखा हुआ, और यही भाई हैं जो कि जलेबी बनाते हैं। क्या सुनिए ना, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आता हूँ ना मैं जलेबी खाना, आप यहाँ बताइए। हाँ तिवारी, हाँ जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पे आते हैं, यही हमको जलेबी देते हैं। जैसे जब मैं वृंदावन जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ, तो वहाँ भी इसी तरीके का होटल है, छोटा सा गांव में, तो वहाँ भी मैं ऐसा जलेबी वगैरह खाया, और बिल्कुल वैसे ही लग रहा है सीन, एकदम वृंदावन टाइप का। आपको आगे भी लेके चलेंगे जहाँ मेरी मम्मी का बर्थ प्लेस है, सिलार गांव, आगे ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे आगे का सीन। अब हम चल रहे हैं सिलार, सिलार कला हम चल रहे हैं। सिलार कला में हमारी नानी का घर है, नानी घर जिसको बोलते हैं गांव में, नानी घर, वहां आप ले चल रहे हैं इसी रास्ते से। इधर बैक साइड में अपना गांव हो गया और सीधे में मेरी मदर का गांव है। ये आगे हम सिलार कला, और सिलार में आपको पहले ले चलते हैं जो राधा कृष्ण का जो मंदिर बना था, वहां पहले आपको ले चलते हैं। चलिए, ये दरवाज़ा, ये द्वार है, यहाँ से एंट्री होता है गांव में। तो ये राधा कृष्ण का नया मंदिर बना है, और यहाँ मैं आया था, राधा कृष्ण का नया मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। और राधा कृष्ण मंदिर निर्माणकर्ता श्रीमती राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, मूर्ति प्रतिष्ठात्मक यज्ञ दिनांक 29/5/2022 से 2/06/2022 तक, ग्राम सिलार कला। यहाँ पे मैं आया था और यज्ञ का मंडप बना हुआ है, वहाँ पर मैं आया था, पूजा भी हुआ था, रासलीला वगैरह भी हुआ था, वृंदावन के टीम आई हुई थी पूरे तरीके से, और बच्चे लोग हैं यहाँ पे, और उधर भी बच्चे लोग हैं, आप देखिए कि गांव के लोग हैं या बच्चे छोटे छोटे, और इनसे पूछते हैं। स्कूल आप लोगों का खुला है कि नहीं? अभी नहीं खुला है ना स्कूल? नहीं खुला है स्कूल, क्यों? पढ़ाई होता है यहाँ स्कूल में? 9 बजे आते हैं, तो 9 बजे आते हैं, अभी से आप लोग खड़े हैं यहाँ, आ जाइए, 1-2 घंटा पहले आ जाते होंगे स्कूल अपना, ताकि अपने दोस्तों के साथ मिलिए, घूमिए। इसी में पढ़ाई होता है, इस वाले में, इस वाले में पढ़ाई होता है, जहाँ तक बच्चे ने बताने का काम किया। ये हमारे नानी घर का ये नया स्कूल है, ये आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ये स्कूल बनाया गया गर्ल्स के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये स्कूल है, ये सामने ये बनाने का काम हुआ, ये गर्ल्स स्कूल हो गया। यहाँ पर यज्ञ भी हुआ था, यज्ञशाला बनी हुई है यहाँ पर। ये स्कूल का प्रांगण है, और यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था मंदिर का। आइए यहाँ से एंट्री करते हैं हम,
सलार कला यहाँ गांव है। ये जो घर है बहुत प्राचीन है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इसी घर में नानी हमारी रहती थी, इसी घर में मैं आया करता था। ये सामने आपको दिखा दे, ये सामने घर है। तो आपको यहाँ का हमने सीन दिखाया और आप देख रहे थे LR ब्लॉग। अब हम अगले दिन का, कुछ और दिन का आपको इसी तरीके से आपको कोई और सीन दिखाने का काम करेंगे हम। अब हम यहाँ से आपसे विदा लेते हैं, राधे राधे। और ज़्यादा से ज़्यादा LR ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए